बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरे पास सेल साइड का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 3430 और स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, बजाज फाइनेंस ने कल का लो ब्रेक किया है, बजाज फाइनेंस पिछले 3 से 4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का 3400 वाला पुट ऑप्शंस के जरिए ट्रेड किया जा सकता है। 3400 वाला पुट 5152 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बजाज फाइनेंस में जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है और मार्केट खुलने के साथ जैसा दबाव देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि बजाज फाइनेंस यहाँ से 3380-3320 ये लेवल्स दिखा सकता है, यानी 80 से 100 रुपए का डाउनफॉल बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये जो 3400 वाला पुट है, इसके अंदर खरीदारी करें, नीचे में 35 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 80 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का मूव 3400 के पुट के अंदर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो रहा है, 1 से 2 दिनों में टारगेट आने चाहिए। बाय बजाज फाइनेंस 3400 पुट एट CMP 5152, स्टॉप लॉस 35, टारगेट 80 से 90 तक के देखने को मिल सकता है। ओके, 3400 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदिएगा बजाज फाइनेंस का। ये है राय सुमित जी की तरफ से, 51 रुपए के आसपास खरीदना है, 51-52 रुपए में 35 का स्टॉप लॉस लगाइए, 80 से 90 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको करनी है यहां पर खरीदारी, लेकिन वो पुट में, इसका मतलब ये कि बिकवाली करनी है। यहां पर व्यू है नेगेटिव साइड पर इस वक्त सुमित जी की तरफ से। तो